हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे लेक्चर नंबर 8 में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? तो पैकिंग एफिशिएंसी मींस परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। मतलब कोई भी यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल में पार्टिकल उसके उसमें अरेंज होते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल के थ्रू जितनी स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। और वो पैकिंग एफिशिएंसी हम किस में लेते हैं? परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, ओके। नेक्स्ट हमें आज किस में पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ना है? तो कि एससीपी एंड सीसीपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एससीपी एंड इन सीसीपी हाउ मेनी स्फीयर आर ऑक्यूपाइड, राइट? तो इन एससीपी एंड सीसीपी टोटल फोर स्फीयर होते हैं। कहाँ कहाँ पे? क्योंकि कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर कितनी है टोटल? 8 कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर में टोटल कितने स्फीयर होते हैं? 1। और 3 स्फीयर कहाँ पे होते हैं? उसके फेसेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फेस लिया है ए बी सी और डी वाला फेस, ठीक है। उसमें पार्टिकल कहाँ पे है? क्योंकि ए कॉर्नर पे है और सी पे है, और दूसरा उसकी जो फेस है उसके सेंटर में, ठीक है। तो ए के सी का जो डिस्टेंस है, ए से सी का, वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, तो वो जो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो उसे हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमने क्या लिया? ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए और सी की लेंथ कितनी है? बी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए बी की लेंथ हमने कितनी ली? ए। और बी बी से सी का डिस्टेंस भी क्या है? ए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब क्या होगा? टू ए स्क्वायर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू रूट टू इन टू ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? तो ये बी, बी मतलब ए से सी का डिस्टेंस, तो उसमें तीन स्फीयर है, 1, 2 और 3, ठीक है। ये स्फीयर का कॉर्नर सेंटर से इस तक का पार्ट, सेंटर से यहाँ तक ये वाला पूरा, और इसका सेंटर से यहाँ तक का पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला जो बीच वाला है, तो ये उसका डिस्टेंस कितना है? 2r है रेडियस, ये आधा रेडियस और ये आधा रेडियस, मतलब 2r। ये सेंटर से लेके यहाँ तक का पार्ट उसका रेडियस हुआ, मतलब r। यहाँ से भी सेंटर से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या हुआ? r। मतलब r प्लस 2r प्लस r, मतलब क्या हो जाएगा? 4r। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r। हमने पहले फाइंड किया b इज इक्वल टू रूट टू ए, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? b इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू रूट टू ए। तो a क्या हो जाएगा? 4r डिवाइडेड बाई रूट टू, और इस क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू आर। ये हमारा, हमें क्या मिला? ए। ए मतलब यहाँ पे हम ए मतलब क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नेक्स्ट, इन सीसीपी एंड एससीपी टोटल स्फीयर कितने होते हैं? 4। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आप लोग 10th में पढ़ते थे वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्फीयर कितने हैं? 4 है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 πr³, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो ए मतलब 2√2 × r, तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√2 × r³। नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की जो उसका इक्वेशन है क्या है? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 4 स्फीयर इन अ सेल। कौन सा सेल? क्योंकि 4 स्फीयर इन अ यूनिट सेल, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है, इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 4 स्फीयर कितना हो गया? 4 × 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? ए क्यूब। और ए क्यूब इज इक्वल टू हमने क्या लिया? क्योंकि 2√2 r³, ये हमारा क्या हो गया? ए। अब 4 × 4 16/3 πr³ × 100 डिवाइडेड बाय 2√2 r³, उसका क्या होगा? तो 2 √2 r³, ठीक है। तो ये r³ हो गया, 2 क्यूब क्या होगा? 8√2 क्यूब, मतलब √2 × √2 × √2, ठीक है। तो √2 √2 क्या हो जाएगा? 2। तो 8 × 2 मतलब 16√2 × r³, ठीक है।
आर क्यूब आर क्यूब कट हो जाएंगे, सिक्सटीन सिक्सटीन का वो कट हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर है वो नीचे चला जाएगा, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा 74%। ओके, तो इन एससीबी एंड सीसीबी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 74।